हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये आजकल का युग है, आधुनिक युग है, यह विज्ञापन का युग है। आज किसी भी व्यापार की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक विज्ञापनों की सफलता पर निर्भर करती है। आप कोई भी पत्र पत्रिका उठा लीजिएगा, कोई रेडियो में सुन लीजिएगा, कुछ भी टेलीविजन, सिनेमा, इन सब में आप देखेंगे कि विज्ञापनों की भरे हुए हैं विज्ञापनों से। ये सभी प्रकार की पत्रिकाओं में, जितनी भी पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं, सब पर, हर पृष्ठ पर कोई ना कोई विज्ञापन आपको दिख जाता है। और तो और, जनसंचार के माध्यमों से हमेशा विविध विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कोई भी व्यापारी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक और लुभावने विज्ञापन प्रकाशित कराता है, या फिर उन्हें रेडियो या दूरदर्शन पर प्रस्तुत कराता है। तो दोस्तों, इन्हीं इसी विज्ञापन की रंग बिरंगी दुनिया में आज हम चलेंगे और देखेंगे कि एक अच्छा विज्ञापन किस प्रकार हम लिख सकते हैं, विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं, विज्ञापन लिखते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने आज के अध्याय विज्ञापन लेखन में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं विज्ञापन का अर्थ और इसका उद्देश्य। दोस्तों, सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष सूचना या जानकारी देना। जो ये जानकारी होती है, इसमें जो उत्पादक होता है वो उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों को अपने माल की देता है जानकारी। वह उस जो उसकी उत्पादित वस्तु है, यानी कि जो उसने उत्पादित जो उसकी वस्तु है, जो भी उसे बेचनी है, उसके गुण, रूप, मूल्य आदि की पूरी सूचना हमें आकर्षक तरीके से देता है, जिससे क्या होता है, हमारे मन में इच्छा होती है कि हम उस वस्तु को खरीदें। और व्यापारिक क्षेत्र में दो विज्ञापन के तीन उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? मांग उत्पन्न करना, यानी कि अपनी जो वस्तु है, जो उसे बेचनी है, उसकी मांग उत्पन्न करना। फिर आगे यदि एक बार उत्पन्न हो गई है तो उसको बनाए रखना। और तीसरी है उसकी वृद्धि करना, यानी कि उसको बढ़ाना। उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ता को शिक्षित करना, विक्रेता की सहायता करना तथा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करना भी एक अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य है। दोस्तों, जो हम ये विज्ञापन होते हैं, ये सिर्फ उत्पादन की वृद्धि में ही सहायता नहीं देते, बल्कि जो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की क्षमता बढ़ाकर मूल्यों को भी स्थिरता प्रदान करती हैं। और जो इनका महत्व है, वह बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इससे स्वास्थ्य प्रतियोगिता को भी बल मिलता है। बैंक और बीमा कंपनियों के विज्ञापनों से मनुष्य के जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है, इसमें भी सुधार होता है। अब हम जानते हैं व्यापारिक विज्ञापन के माध्यम यानी कि किन किन तरीकों से एक व्यापारी अपने विज्ञापनों को प्रस्तुत करता है, हमारे सामने परोसता है, देता है। व्यापारिक विज्ञापन विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से, यानी कि सुनने के माध्यम से और देखने के माध्यम से उत्पादित वस्तु का के रूप, गुण, मूल्य आदि से संबंधित जानकारी हमें अपने ग्राहकों को देते हैं। इसलिए जो भी हमें विज्ञापन देना है, उसके माध्यम का चुनाव सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सही या गलत माध्यम का चुनाव विज्ञापन को सफल या असफल भी बना देता है। ज़्यादातर विज्ञापन देने के लिए तीन प्रकार के माध्यम स्वीकार किए जाते हैं। कौन सा है? पहला है पत्र और पत्रिकाएं, दूसरा है बाह्य विज्ञापन यानी कि जो पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग है, पैम्फलेट है, ये सब, और एक है अनुसंधान यानी कि रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि। दोस्तों, मोटे रूप से इनका वर्गीकरण दृश्य यानी कि देखने और श्रव्य यानी कि सुनने के माध्यमों से भी किया जा सकता है। जो ये पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये सबसे सुलभ माध्यम है और इनका जो प्रचार है विश्व रूप में होता है, यानी कि सारी पत्र पत्रिकाएं सब जगह पढ़ी जाती हैं। इसलिए किसी एक स्थान की वस्तु का प्रचार पूरे विश्व में भी संभव हो सकता है। सरकारी या जो गैर सरकारी स्तर पर, किसी भी स्तर पर जो भी पुस्तक छपती है, उसमें आपने देखा होगा कि हर एक पेज पर या आगे पीछे विज्ञापन जरूर छपे होते हैं। सुंदर बहुरंगी चित्रों, स्पष्ट अक्षरों और रोचक विवरणों से विज्ञापनों को संवारा जाता है।
और जो बाह्य विज्ञापन है इनका प्रदर्शन ज्यादातर दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, सुंदर रंगीन एवं आकर्षक चित्रों से सजे विज्ञापन जो होते हैं वो सड़कों चौराहों आदि कहीं पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। मानते हैं ये माध्यम जो है वो महंगा है, लेकिन आजकल इसका बहुत प्रचलन है। दीवारों पर लेखन, इश्तिहार, छोटे बड़े प्रपत्र, पैम्फलेट सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो रेडियो ट्रांजिस्टर है ये हमारे देखने और सुनने के लिए होते हैं, और ये ज्यादातर आम लोगों की पहुंच में रहते हैं। आपने देखा होगा कि कार्टून और अभिनेताओं के माध्यम से जो ग्राहक उत्पादक है वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ होते हैं ऑनलाइन विज्ञापन, यानी कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का भी उपयोग किया जाता है। एक होते हैं बिल बोर्ड विज्ञापन, इनका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, सड़कों के किनारे इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं दुकानों में विज्ञापन, यानी कि जो दुकानों के अंदर स्थापित किए जाते हैं इन्हें हम इन स्टोर विज्ञापन भी कहते हैं। एक होते हैं हवाई विज्ञापन, यानी कि विमान, हवाई गुब्बारे द्वारा दर्शाए गए विज्ञापनों को हम हवाई विज्ञापन कहते हैं। दोस्तों ये तो हुआ कि हमें एक विज्ञापन को देने के लिए किस तरह से अपने माध्यम का चुनाव करना चाहिए। अब हम जानते हैं एक विज्ञापन लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक विज्ञापन हमें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले हमें एक बक्सा बना लेना चाहिए, और उसके बीच में जो भी विज्ञापित वस्तु है जिसका भी हमें विज्ञापन देना है उसका नाम मोटे अक्षरों में लिख देना चाहिए। और जो दाएं और बाएं किनारे हैं उन पर हमें सेल, धमाका या खुशखबरी लिख दीजिएगा, या खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। कोई भी विज्ञापन आप देखेंगे कि जितना लुभावना आकर्षक होता है उतना ही उस चीज के उस वस्तु की तरफ हमारा ध्यान जाता है। बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी और या मध्य में वस्तु का बड़ा सा एक चित्र भी हमें देना चाहिए। स्टॉक सीमित है या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में आप कर सकते हैं। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख भी हमें इन विज्ञापनों में जरूर करना चाहिए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटा सा स्लोगन जिससे कोई पढ़ने वाला आकर्षित हो लिखना चाहिए। और लास्ट में संपर्क करें या फोन नंबर का उल्लेख, कोई भी जैसे फोन नंबर है, इन सब का उल्लेख भी हमें अपने विज्ञापन में जरूर करना चाहिए। दोस्तों इन्हीं विज्ञापनों के बारे में अपने अगले अध्याय में हम और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विज्ञापन किस किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक उनको समझेंगे। उसके लिए आपको वही मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।